प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कानपुर में 100% असर देखने को मिला। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा नजर आया। भीड़भाड़ वाले माल रोड में केवल पुलिस नजर आई। जनता कर्फ्यू के दौरान आज मुख्य बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट मार्ग और पॉश कॉलोनियों सहित सभी सड़कें सूनी दिखाई दी। जनता कर्फ्यू के दौरान इक्का दुक्का पुलिस कर्मियों की बाइक व गाड़ियां हूटर का प्रयोग करते हुए अवश्य दिखाई दी। कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू किया गया जनता कर्फ्यू का असर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे में भी देखने को मिला। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खाली नजर आए। न यात्री दिखे, न वेंडर और न ही ट्रेन नजर आई, बस सूना प्लेटफॉर्म सामने था। यही नज़ारा मेजर सलमान अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर भी नजर आया। यहाँ भी कोई यात्री नहीं था, केवल लाइन से खड़ी बस देखी गई। प्रधानमंत्री की अपील का खासा असर दिखा। कानपुर में बताते चले कि कल परसों मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि देशबंदी का, तो वहीं पर आज देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हुआ कर रही रोड पर, जहां पर कहीं ना कहीं दुकानें आज बंद हैं। ये मुझे लगता है कि कल जनता कर्फ्यू जो ऐलान मोदी सरकार ने किया था 7:00 से लेकर 9:00 तक, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। और जनता ने यह सोच के बैठी आज कि जब तक ये आज मोदी सरकार की कुछ बातें मानकर थोड़ी देर में जब 9:00 का तब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है कोरोना वायरस का, तो कहीं ना कहीं दुकानें बंद होने का नज़रिया दिखाई दे रहा है। तो कानपुर में अभी देखना है कुछ जगह पर जहाँ पर अधिकतर जो रोडों पर दिखाई दे रहा है सन्नाटा पसरा हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को भी डर है कोरोना वायरस का। तो देखते हैं रात के 9:00 तक क्या रिजल्ट आता है। कानपुर से मानसू श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडियन प्राइम न्यूज़।